सो हाय गाइस, वेलकम बैक, स्वागत आप सबका एक और नए व्लॉग में। और ये देखो मेरे बाल जो अब जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मैं अपने बाल ऐसे कराने वाला हूँ। चाहिए बाल दिखाओ अपने, ऐसे छोटे छोटे बाल कराने वाला हूँ मैं, जैसे हमारी दादी के है। क्योंकि मेरी दादी को बहुत बुरा लगता है मेरे घने बाल देख के, कलपती है जाई, तो मैंने सोचा जाई ना कलपे, इसलिए मैं अपने बाल भी छोटे करा लूँ। तो चलते हैं दिलशाद भाई वे और छोटे छोटे बाल करा के आते हैं। बाय बाय जाई जी, बाय बाय, किसी करो जाई, तू खुश से मैं खुश, सारे खुश, सब खुश रहो, लव यू सबको। नहीं टाइम दी जाई, सोने दी है, बजा के रखी। हाँ चलो गाइस, बाकी कल तो इतना मजा आया मेरे को, मूवी देखने गया था दोस्तों के साथ, ये तो लड़कियों के साथ भाग गया था, मैं और मैगी अपना घूम रहे थे। अपने माँ बाप की कसम लड़की के साथ गया था, अपने माँ बाप, अपने माँ बाप की कसम मैं मैगी के साथ था, मैगी के साथ गया था। अबे झूठ बोलता है, इसको पता है कि मैगी के साथ गया था, स्टोरी डालता, सेल्फी लेता, कुछ नहीं डाल रही, मैगी की नहीं है, लड़की के साथ गया है। ये वो किलस किलस कर रहा है, आई लव यू बेबी, ये भड़का रही है। भाई जल्दी नीचे कमेंट करके बता दो, अभी भी मौका है कि मैं बाल छोटे कराऊं या यही लुक रखूं। मेरा तो मन कर रहा है मैं छोटे करा लूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस लुक पे और मेरा मन भर चुका है। मेरा सिर्फ अपनी लड़की के अलावा हर किसी से मन भर चुका है, खाली मैं उसे प्यार करता हूं, मेरी होने वाली बेटी और कोई लड़की मेरी जान, अगर अब मैं किसी दूसरी औरत को प्यार करूंगा वो सिर्फ तेरी बहन होगी। क्या कह रहा है कोई नहीं यार, ये शक्ल वकल आंखें चेहरा ये सब बाहर की चीज़ें हैं, यहाँ से बंदा साफ होना चाहिए, जो तू है और जो मैं भी हूँ, बाकी पूरी दुनिया तो नहीं है। कल किसके साथ मूवी देखने गया सब बता दे, मैगी के साथ है, मैगी के साथ। हाँ अरे अगर देख मैगी के साथ गया, मैगी को कॉल कर दे, तू पूछ रहा हूँ अभी लड़ लाइट हो गया, क्या बात कर रहे, अब गांड फट गई, लोड़े भड़काओ मेरी बंदी को बस। भैया ये हमारी वीडियो देखते हैं, आप एक सच्ची बात बताओ, अभी इसने क्या खाया है? चिकन खाया। नई लुक देख लो मेरी गाइस, हटाओ तारे तारा सिंह। सो गाइस आज तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया, क्योंकि आज मेरे को जाना है फरीदाबाद एक पॉडकास्ट शूट करने, और मन कर रहा था बहुत मेरा एक पॉडकास्ट करने का, तो एक इनवाइट आ रखा था, मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, तो वहाँ चलते हैं। और सुबह 10:30 बज रहे, कल मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि जल्दी सो गया था, गला ख़राब हो रहा था मेरा, फिर मैंने कहा आज पॉडकास्ट किया तो आराम से सो जाओ। और अभी ब्रूसो को घुमाते हैं, फिर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और पॉडकास्ट शूट करने चलते हैं आज, वहाँ पर बातें छोड़ेंगे फुल जो मन में। बाकी गाइज आपको पता है कि जैसे अभी मैं जा रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को इधर उधर घूमने में, क्योंकि 1.5 घंटे की तो खाली ड्राइव है, उसके बाद 1.5-2 घंटे का शूट होगा, फिर 1.5-2 घंटे वापस आना, तो प्रोटीन इंटेक मैं यहीं से पूरा करके जा रहा हूँ। और उसके लिए मेरी हेल्प करता है, जैसे ऐसे मैं कभी बिजी होता हूँ शूट वगैरह जाना होता है, मेरी प्रोटीन इंटेक पूरा करने में हेल्प करता है बिग मसल का प्रीमियम गोल्ड वे, एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है जो आपको पॉकेट फ्रेंडली भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, प्रो हाइड्रोनाइज टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे आपको डाइजेशन का कोई इशू नहीं होगा, और आपको ये इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफिकेशन मिलती है, तो ये पता लगता है कि जितना प्रोटीन ये क्लेम कर रहे हैं उतना ही आपके पास आ रहा है। मैंने इसका पर्सनल टेस्ट भी कराया था जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था, तो उसमें ये हैवी मेटल पास था, कोई भी अमीनो स्पाइकिंग नहीं थी, और जितना प्रोटीन ये क्लेम कर रहे हैं उतना ही पूरा था। जब से मतलब मैंने ज्वाइन किया 3-4 महीने हो गए मैं यही प्रोटीन पी रहा हूँ, और बॉडी में भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत लाइट फील होता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा प्रोटीन लेना चाहते हो बिग मसल का प्रीमियम गोल्ड वे, फटाफट खरीद लो, नीचे लिंक होगा वहाँ पे आप क्लिक करो, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए अपने भाई का कूपन कोड BM बोला यूज़ करना। सो गाइस मैं तो बहुत थक गया था, 1 घंटा 20 मिनट गाड़ी चला चला गया, अब गाड़ी इसे दी है, मैंने इसे कहा कि भाई चला ले, और ये मतलब दोस्तों का फायदा उठाया जाता है, जो शरीफ दोस्त होते हैं, चुप हो जा, 2 मिनट मेरे को बात करने दे, मैं रिलेट कर रहा हूं, मैं गाड़ी चलाना सीखूं, चूतिया ने मुझे करा, और तो लड़कियों से बातें करते हुए गैस पूरे रास्ते, ये ना दोस्तों का फायदा उठाते हैं, मतलब जैसे कुछ होते हैं शरीफ, अब मैं तो लड़कियों से ज्यादा बात करता नहीं, ये करता है, तो मैंने कहा चल भाई मैं गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए फोन में बातें कर रहा था ये बंदी से, मैंने कहा मैं चला लेता हूँ, अब इसका इतनी मुश्किल से फोन कटवाया है। और भाई अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो जो लड़की में लगे रहते हैं, तो भाई प्लीज उनके साथ मत जाया करो, क्योंकि अगला बंदा बोर होता है, उनकी भी सोचा करो। चलो अब चलते हैं पॉडकास्ट में, और वहाँ पे भाई इधर से एक रिक्वेस्ट है, बस मेरी तारीफें करता रहियो, ठीक है? बता दो तुझे इतना बदतमीजी की रैप है इसमें, सब तो नहीं है, सब नहीं है,
सो गाइस पॉडकास्ट डन और कम से कम 2 घंटे का पॉडकास्ट बना होगा क्योंकि बैठ के बातें जो हो रही थी हमें पता ही नहीं था कि कैमरा भी है। हम तो अपनी बातें कर ही जा रहे थे। कैसा लगा लैला? एक नंबर। जिंदगी में पहली बार पॉडकास्ट किया, मतलब ये सामने वाले पे बहुत डिपेंड होता है और प्रखर भाई ने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट किया, मतलब चिल सीन था। तो जब आ जाएगी वीडियो में इंस्टा पे स्टोरी वगैरह डालूंगा, वहां पे फॉलो करो फटाफट, 2 मिलियन भी करवाओ वहां पे जाके, देख लेना जब भी स्टोरी डालूंगा। पॉडकास्ट में भी देखा मैंने, दिल से दिल वाली बात भी हो जाती है। अबे मतलब अगर तू बैठे ही बात करने पर तो दिल से दिल की बातें होंगी, मजा आ गया। और एक बंद सामने वाले का एक्सपीरियंस होता है ना कि इनसे बातें कैसे निकलवानी है। हम तो करते हैं आपस में बात, फिर गाली बक देते हैं, फिर 2 मिनट चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं चल रहा भाई एंड को जो है। उसको पता था बातें कैसे निकलवानी है, तो सारी बातें निकलवाई और मजा आया। गुड, अब जा रहे हैं हम बिग मसल की कंपनी के। सो गाइस अब आ गए हम पता नहीं कौन से हाईवे में है, यहाँ पे सैंडोज दिख गया, भूख लग रही है मेरे को, इसके बाद जिम भी जाना है और बढ़िया सा वर्कआउट करना है। तो मैंने सोचा पहले सैंडोज पे रुक के पेल लेते हैं, खाना खा लेते हैं बढ़िया। बट एक बंदा अपना ये कोई नया रेस्टोरेंट खुला उसका ये पकड़ा गया ब्रोशर, कह रहा भैया यहाँ से ट्राई कर लो। सुप्रसाद क्या? मेरे को क्या पता, बहन का आता रहता हूं। सुप्रसाद लिखा, सुप्रसाद तेरे को लगा प्रसाद मिल रहा है फ्री का? स्वाद कोई साउथ इंडियन है ये है माला प्रसाद। ये देखिए क्या बंदा, ये क्या माला खाली पड़ा हुआ, खाली तो वो भी बड़ा हुआ सैंडोज भी। सो गाइस सैंडोज जाइए या ये ट्राई करें जल्दी बताओ। भीड़ है, स्टाफ ही है सारा, 2 पीपल। सरनेम बोला? अच्छा सरनेम आरुष बोला। दिन देखो बहन जो कैसे बदले हुए मेरे भाई। हाउज इट ब्रो? इट वाज गुड ब्रो। इट वाज गुड, इट इज गुड। ओके यू नो ट्राई एस्ट्रोलॉजी? नहीं भाई एस्ट्रो और नाम नहीं 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 नहीं। कब तक आ रहा है भैया? भूख लग गई जल्दी भैया, ज्यादा नहीं खाया कुछ, चटपटा है। ओह सॉरी वेरी चटपटा। से चीटिंग जीरो हो जाएगी और नीचे एक डेड पोस्ट मिलता है, फिर एकदम उठाओगे सारे फाइबर डेड। फिनिशर में ट्राई करता हूँ मैं कभी कभी, मजा आ गया, चेस्ट खत्म, नाइस वर्कआउट। असली दोस्त वही है जो मतलब अगर दोस्त गलत हो तो उसमें रैप्टा देकर ठीक कर। दो ट्रिप जाती गर्मी है बैठ के लबड़े, जाती ठंड है। अगर तेरे को बीमार हो गया तो बनैन में नीचे आ गया, तेरे लिए मार रहा हूँ, तेरे लिए हाथा भाई ना कर। दो ट्रिप भी फ्री, तेरे भले के लिए मारे, तेरी पकड़ियो का फोन आ रहा है। अब तबीयत खराब हुई है तो चाय पी रहा हूँ मैं, चाय बिना बिस्कुट भी नहीं पीता। और बचपन के दिन याद, क्रीम वाले एक साइड, पहले ये खा लो फिर वो खाएंगे। अब भगवान से जल्दी प्रे करो नजर उतरे मेरी और ठीक हो जाऊँ, व्लॉग ही नहीं बना पा रहा तो लेटा हुआ इतनी देर से इसके साथ। सो गाइस कल तुम्हारे भाई ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरे दिन घर में बैठ के एक बार भी नीचे नहीं उतरा। और आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है तो हम नीचे आ गए दोबारा से, बैक टू दोबारा कर दी। ओवली एनर्जी नहीं है बट ओवली ओवली एनर्जी ले आएंगे अभी थोड़े दिन में क्या थोड़े घंटे में क्या थोड़े मिनट में क्या थोड़े सेकंड में काम हो जाता हमारा। फिर लड़की भाग जाती, कपड़े पहन के चला कर मेरे साथ में भाई। क्या हो गया? ऐसा लग रहा है खिचड़े आ रही है आंखों में से। कहाँ है? ना गया तेरा बाप बहन माँ कैसा, तभी तो थोड़ा बुखार उतरा है ना के। क्या खा रहा है भैया? क्या ऑर्डर दिया है तेरी? हाँ कितना किराया आ रहा है इससे भी यार? फिर तू यहाँ पे बोलेगा। अरे बता दे कितना किराया आ रहा है? 2 करोड़ 50 लाख। और वो पीछे वाली की कितने में चढ़ाऊँ मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी ली है ना? अभी लिया तूने वो? हाँ थोड़ा बता दो क्या था। अबे मैं बताता तू, मार्केट में हमेशा ज़्यादा रेट लेके चीज़ उठा लेता है। अरे नहीं भाई कभी ये कैमरा क्यों ऑन कर रखा है भाई? कैमरे के आगे मत बोलो। सॉरी गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है।
गाइस एक बार मैं घर से भाग के आया था, घर छोड़ के भाग गया था, तो यहाँ के सोया था क्योंकि यहाँ पे आके मेरे को पता था घर वाले ढूंढने यहीं आएंगे मेरे को। अभी तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ बाहर चल के। क्या बताना था मैं? स्टोरी बता रहा भाई, तू बंगला साहिब क्यों गया था, वहाँ बैठा था। हाँ तो भाई बचपन में डैडी बहुत मारते थे मेरे को, बहुत मारते थे, और एक दिन मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने कहा मेरे को इस घर में नहीं रहना। फिर मैं था टेंथ क्लास में यहाँ, और मैं घर पर इतना पिटा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर नहीं आऊँगा। मैं दोपहर को 3 बजे घर से निकल गया और मैं बोल के गया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पर मेरे अंदर की मेन ईगो ने एक बार को सब किया था, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ मेरे को भूख लग रही थी, पैसे पड़े नहीं थे, मैंने कहा वापस घर ही चले जाता हूँ, कोई नहीं। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं फ़ोन चला चला के टाइम पास कर रहा था, बट जब मैं घर गया मेरे डैडी ने मेरा फ़ोन छीना, मेरे को और मारा और कहा घर से निकल जा चल। मम्मी बेचारी परेशान हुई मेरे लिए, बट डैडी को कोई तरस नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था ये नल्ला अपने आप वापस घूम फिर के दोबारा आ जाएगा, अभी आ गया तो। पर मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा बहुत हो गया, अब मैं घर पर आऊँगा ही नहीं कभी, अब मैं हीरो वीरो बन के वापस आऊँगा, क्योंकि मैं स्मार्ट तो बहुत था। तो मैंने सोचा मुंबई चला जाऊँगा या कहीं चला जाऊँगा, कैसे ये नहीं पता, बट मेरे अंदर एक विल पावर थी कि मैं हीरो बन जाऊँगा। तो मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा सुबह निकलते हैं पहले, अभी यहाँ से चलते हैं। मैं पैदल निकला अपना पटेल नगर से कीर्ति नगर, पैदल पहुँच गया। फिर मेरे को जेब में दिखे कि 50 रुपये तो पड़े हैं एक। फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो वाले भैया को कहा भैया मेरे को बंगला साहिब छोड़ दो, क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी बहुत तेज, मैंने सोचा लंगर खा लूँगा। तो ऑटो वाले भैया ने कहा 50 रुपये मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने बेचारी से शक्ल बना के बोला भैया मेरे पे पैसे दिए प्लीज़ छोड़ दो, अगली बार कभी तुम्हें पैसे दे दूँगा। फिर उसने मेरे पे तरस खा के उस ऑटो वाले भैया ने मेरे को बंगला साहिब छोड़ दिया। फिर उसने मेरे को बंगला साहिब छोड़ा, मैं बंगला साहिब आया, लंगर खाया, मैं अंदर जाके सोया। तो मेरे को वहाँ पे किसी पाजी ने उठा दिया, मेरे को कह रहे यहाँ पे नहीं सो सकते आप। फिर मैं वहाँ से उठा, मैं जोड़े घर जाके बैठ के वहाँ पे जब चप्पल अप्पल लगी होती है वहाँ लेट गया आराम से। फिर मैं वहाँ लेटा तो मेरे को पता था कोई ना कोई मेरे घर में से मेरे को ढूंढने वहाँ आएगा, और वहाँ पे मेरा ताया का बेटा आ गया, साथ में डैडी का एक दोस्त था, वो डैडी के साथ मतलब डिजिटल पार्टनर था, वो आ गया। और वो आया तो उन्होंने मेरे को उठाया और गाड़ी पे आए थे, कह रहे चल घर चल। मैंने एक बार को एक्टिंग करी मैं घर नहीं जाऊँगा, फिर मैं दूसरी बार में तैयार हो गया, और उन्होंने मेरे को शंकर रोड में मामाज पे ले जाके पहले खिलाया पिलाया फुल बढ़िया, और अगले मेरे को घर ले गए। फिर डैडी हंस रहे थे जब मैं घर पहुंचा, और कल से मैं फिर बेशरम पूरा बन गया। मैंने कहा मार खाओ जो मर्जी करो, घर छोड़ के नहीं भागना, यही रहना। नाइस स्टोरी, बैठ गड़ो रोना आ गया, एक सेकंड पकड़ो। अब तू अपनी बता। अरे रोना, मैं कभी भागा ही नहीं। अरे तू भी भागा था एक बार, बंगला साहिब तूने बताया था मेरे को। मैं नहीं भागा था एक बार भी। चल भाई आ जाओ। भागते वो है जिनकी गाने दम नहीं होता, राजे बदमाश कभी नहीं भागे। सो गाइस अब मेरी सीख से ये मैं समझना कि घर छोड़ के भागना चाहिए। वो मैं बच्चा था तो मेरे में दिमाग नहीं था, वैसे भागना नहीं चाहिए। भागने गया था तेरी बचपन से थी, बहन वहाँ भी भागा था ये। हाँ एक बार इसकी मम्मी ने इसको पीते हुए पकड़ लिया था, तो मेरे को पता नहीं था मैं क्या जवाब दूँ, मैं वहाँ से भी भाग गया था। देख रहे हैं ये पूरी डिटेल पॉडकास्ट भी आएगी, पॉडकास्ट वो तो एक नंबर बना है। लैला तू तेरी बचपन की सबसे गंदी स्टोरी कौन सी है? मेरी बचपन की सबसे गंदी स्टोरी, बचपन ही नहीं निकला भैड़ा का लौड़ा, समझ ही नहीं आया बचपन कब निकल गया। अभी तक बचपन चल रहा है, अभी तक अब चल रहा है बचपना, मैंने अब स्टार्ट पहले बचपना नहीं था, अब नहीं पहले था, मैच्योर था तू पहले यार, समझ नहीं था क्या मतलब। पहले दिमाग होता था कि भगवान ने ये क्यों दे रखा है करण करने के लिए, तो कहीं और दे देते थे। बड़े बड़े धीरे धीरे पता चलता हुआ कि ये होता है बहन चौद का मतलब क्या होता था, उसका मतलब नहीं पता था। मेरे को पता ये लगता था पहले, मेरे को ये लगता था कि जैसे गाली बकते हैं ना बहन की चूत, तो ये गाली हो गई, तो इससे बढ़िया गाली चूत बोल दो, ये गाली नहीं है, मैं ऐसा सोचता था पहले। फिर मैंने एक बार डैडी से पूछा, मैंने सीधा चूत बोल दूँ गाली तो नहीं है वो, फिर मेरे में मार पड़ी। ये कौन है? ओके गाइस फोन आ रहा है, बड़े बड़े चलो का ये कर रहा था। बाकी गाइस यहाँ पे एक बार काल स्टेडियम है, यहाँ पे एक बार मैं लड़की के साथ स्कूटी पे गया था, और ब्रेकआउट करते हुए मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। वो पुलिस वाले इतना बढ़िया बंदा था, उसने मेरे को कुछ भी खाना खाना घर चले जाए यहीं पर छोड़ दे बस, वैसे भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं यहाँ पे। इसको लाया कभी भी नाम नहीं बताता, क्या पता किसी की बंदी निकल ले। आओ गाइस तुम्हें एक और जगह दिखाता हूँ आज, सीधा ले राजेंद्र नगर में हम, और जब मेरे पे गाड़ी नहीं होती थी तब मैं चिल टाइम कहाँ पे अपना निकालता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो दिखाता हूँ। लपेट लो गाइस 15 अगस्त आ गया गाइस, 3-4 चार 5 साल पुरानी यादें है जगह सही है। मानता है बहन के लफड़े अपने बाप को, यहाँ गाड़ी लगा लो गाइस, पर मैं तुम्हें जगह नहीं बताऊंगा ये लिखा है, क्योंकि फिर मेरा सपोर्ट खराब हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा ना यहाँ की लाइटें वाइटें भी नहीं जलती, ये जो 2-4 चल रही है यही जलेगी बस। यही से ले आ गाड़ी, आ जाएगी इतने में। ओ यहाँ तू गाड़ी भी घुसा सकता है, और यहाँ आके तू और भी कुछ घुसा सकता है, समझा मेरी बात? समझ गया भाई मेरी बात। क्या मतलब पेड़ भी लगा सकता है? पेड़ मतलब 90% बीज बो सकता हूँ। हाँ बीज बो सकता हूँ बीज। गाइस देख लो जगह, जो बंदा ये जगह ढूंढ लेगा। बंदर है उधर, बंदर है, बंदर है।
तो क्या हो गया, जो बंदा ये जगह ढूंढ लेगा उसको मैं 10,000 में इनाम करूँगा और साथ में उसको फॉलो करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे आके अपनी फोटो खींच के इंस्टा पे टैग करना। 10,000 में इनाम नहीं करूँगा, खाली फॉलो करूँगा। भगवान इतना फेमस कर दे बस, जहाँ जाता है लैला बंदे फोटो खिंचवाते रहते हैं, भगवान कम मिलेगा ऐसा फेम हमें। लैला क्या चीज है तेरे अंदर, है छोटी लुल्ली होने के बावजूद इतना फेमस है भैया। गए अगर तुम्हारे आगे कोई ऐसा कचरा बाबे बाबे बोले ना, फिर एक्टर हो, बोल बोल बोलेगा मैं बाद बाद में बता रही किससे, वो मोटे से सिक्के आ गया प्रिंस से। गाइस अब जैसे तबीयत खराब हो गई थी तो डाइट बिल्कुल क्लीन रखेंगे, अब बाहर का बिल्कुल खाना पीना कम। नहीं मैं नहीं खा रहा, ले ले एक प्लेट चिकन। लैला तेरे को इस पर कसम थोड़ी ना दिया चिकन खाने का, ये भी चिकन खा रहा है। चिकन नहीं है यार, तो बंद कर देना, शर्म आनी चाहिए। हट जा भैया का डाल दियो, एक ही खाऊंगा ज्यादा, मैं तो वही मत खाती। हमें भी बता दो, हम भी असले कौन से हैं। ये चिकन अबे उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो खाता है। अच्छा ठीक है। रजिंदर नगर पॉपुलर जूस के सामने पीछे ये इंडियन मोमोज, चाइनीज खाना एक नंबर, सारा बढ़िया था। चिकन लॉलीपॉप एक नंबर। ये इसको जिम से नीचे से उठाया, इसको जिम नहीं जाने देंगे मैगी को। अबे इधर आना, वहां का भाग रहा है। आ जूस वाले पे आ जा, इसको जिम नहीं जाने देंगे मैगी को। कम से कम एक घंटा हो रहा है, एक घंटा तो हो गया। सो गाइस पहले मेरे पे, सो गाइस ये देखो घोड़ों को आराम दिया, हमने लोड़ों को दिया काम, यहां चले भी कुछ गति था। ये देखो अबे दिखाना है, ये तो दिखा, ये देखो अब ये राइट लेना है, तो ये देखो राइट 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 सीधा सीधा राइट 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 राइट। अब ये लेफ्ट लेना है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अभी नहीं, लेफ्ट आ गया है, लेफ्ट आ गया है, यही वाला, ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अब ये देखो ये सीधा चलानी है, तो मान लिखो यहाँ पे एक हेलीपैड उतर सकता है, हेलीपैड तो यही है, यहाँ पे वो एरोप्लेन उतर सकता है। आओ किसी को बनाना है, आओ पर मेरी शक्ल देख के सिर्फ कपड़े उतर। सो गाइस तुम्हारा भाई जिम आ गया था और बैक की 3 एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा इसलिए नहीं करी ताकि बुखार दोबारा ना हो जाए। बाकी गाइस वो एकदम वीडियो बंद कर दी थी ना, एक लड़की आ गई थी और तुम्हारा भाई लड़कियों के आगे साइलेंट हो जाता है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। सो गाइस हल्का बहुत मैंने वर्कआउट करा, उसके बाद ये आ रहा था साहिल के साथ जिम, और रास्ते में मैंने करा 4 एक्सरसाइज कर दिए। रास्ते में मैंने इसको कहा कि भाई मेरे को NYCC छोड़ा, मैगी खड़ा उधर, तो इसका कलेश हो रहा था साहिल से कि भाई जिम चल ले। अब साहिल को जिम ले आया, उसको जिम छोड़ के मेरे को कह रहा है मैं वापस नहीं जाऊँगा तेरे साथ, भूखूंगा तेरे साथ। तो भाई तू जिम क्यों नहीं जा रहा, अब बैठ के लड़ो दोबारा थोड़ा जाऊँगा चूतियों की तरह, कुत्तों की तरह जिम। अब क्या कहा जाएंगे हम, भोजड़ी के मेरे कितने चक्कर लगे हैं, 4 चक्कर लग गए हैं, 3 और लगाने हैं, 7 फिर हो जाएंगे। चल भाई लैला ने मैगी को बर्थडे पे पी के 20,000 रुपये ट्रांसफर करे और अब वो वापस मांगे जा रहा है। तो अगर आप कहोगे कमेंट में रिप्लाई करोगे वापस दे देने चाहिए तो दे देंगे। अगर ये भी तो बोला था कि मैगी का बर्थडे गिफ्ट हो गया, मैगी बर्थडे गिफ्ट ले, अब इसने पी के दिया, जैसे भी दिया बंदा पी के वही करता जो उसके दिल में होता है, इसने अपने दिल की करी। बट अब अगर इसे अब वापस कर देंगे तो एक तरह से ऐसे हो जाएगा कि हम इसके दिल की बात नहीं सुनते। लैला क्या वापस चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है अब मत दियो, तेरे को मांगी अब नहीं देने। सो गाइस तुम्हारे फन के लिए मैंने क्या करा है, दोबारा अपने तातिया भाई का चूतिया बनाने जा रहे हैं हम। उसको मैंने कहा है, इसको कल समझा रहा था कि राज्य मेरी रीच इतनी आ रही है तो किसी कंपनी वंपनी में बात कर ले, इसको मैंने कहा कि मैंने बात कर ली अब किसी में, और कंपनी वाले बंदे को फोन करके कह दिया है कि फेक कर देना, कह देना हाँ बट पहले एक सैंपल वीडियो बनवा दो। तो एक अभी फनी सी इससे सैंपल वीडियो बनवाते हैं, ऐसे कहूँ अपने राज्य वाज्य वाले स्टाइल में बना, देखते हैं खुशी देखना भाई की क्या कह रहा है। भाई पहले बोलता कि पैसे वैसे नहीं दे सकता, अभी पहले इनिशियली डिलीट करा दे यार, करा दूंगा इनिशियली। बाद में मेरी वो डिलीट करा दे यार, कौन सी दुकान है ये वाली, वो है वो मासा ही बिकवा दे। हां मासा बिकवा, मासा दे, रहने दे फालतू में प्रमोशन देखो, जमी बढ़िया देखो, बुराई कर दे इसकी, बुराई बुराई नहीं करनी, अच्छाई कर रही है। अबे मत मीठा सारा सारा चिपका हुआ दिख रहा है, देख इससे बड़ी भैया स्लाइस कांच वाली
वो बड़ी स्वाद लगती है। तो गाइस ये प्रमोशन कर रहा है एक टेस्टिंग, ये शोरबा बेच के दिखाएगा क्योंकि हमने किसी ब्रांड को भेजना है तो इसकी टेस्टिंग देख रहे हैं बस। चल बॉडी नहीं बनती, बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनाने के लिए खाना पड़ता शोरमा, शोरमा से बनती है बॉडी, प्रोटीन मिलता है। इसकी बहन चोटते रहती अब हम साइड हो जाते फिर बनवाते। सो गाइस बहुत बंदे कहते हैं कि जिम जाने के लिए अगर बॉडी बनानी है तो तुम्हें अंडे बंडे खाने पड़ेंगे। अब देखो शोरमा खा रहा हूँ और इससे ही बॉडी बनेगी। बहुत बंदे कहेंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट हम यही खाएंगे और बॉडी भी बनेगी। अब ये देख, अबे पागल है क्या, नहीं आ रहे भाई, गाड़ी बना दूंगा। अबे चल यार, बोल यार पब्लिक में, चल बोलना जरूरी है क्या? अबे बोल यार भाई। बहुत बंदे कहते हैं बॉडी नहीं बनती, बॉडी नहीं बनती, जिम में प्रोटीन से कुछ नहीं होता, शोरबा खाओ से बॉडी बनाओ, इससे बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, एब्स वगैरह सब निकल जाएंगे और यही खाना चाहिए। किस चीज के बारे में बोलेगा, क्या भेजना है, पानी भेजना है, मतलब बोल के जिम जाते हैं, जिम के अंदर जाते हैं तो मतलब जो बंदा तेरे को डेली देख रहा है तो वो तेरे से कुछ इंस्पायर हो गए, ये चीज खरीदे या ये चीज अपनी डेली लाइफ में ऐड करे, बस ऐसे कर रहा है तेरे को। तो पानी भेज देते, पानी भेज दे। ऐसे बोल दे कि पानी के बहुत फायदे, जो लोगों को नहीं पता क्या मेरी बॉडी के दाने वगैरह सारे इससे इससे क्लियर हो गए, बोल दे क्या पहले से बहुत फर्क आ गया, मैंने पानी पीना स्टार्ट किया है, बॉडी में बहुत फर्क आ गया। आपकी बॉडी 70% पानी से बनी होती है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। चल बोल, 1 2 3 राजो है किनली का पानी देख लो, मेरा ब्रांड देख लो, प्रमोट नहीं कर रहा, पानी पीने से सारा मूत के थ्रू निकल जाता है गंद। ये क्या बोल रहा है, मूत मूत मत बोल, टॉयलेट टॉयलेट से यूरिन के थ्रू निकल जाता है, मूत क्यों बोल रहा है? अरे थोड़ा वर्ड तो ऐसे ही रहेगा, इतना भी रोनी देखना, इतना भी रोनी। दोबारा शुरू करे, दोबारा 1 2 3 4 तो मेरे भाइयों किडनी का पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है पीने के लिए, इससे सारी बीमारी निकल जाती है यूरिन की। थ्री थ्री तेरी माँ की बोल रही, कैमरे में देख उधर कहाँ देख रहा है। अबे एक काम कर, एक काम कर, तू हमें बता कैमरे में मत देख, तो फिर कॉन्फिडेंट रहेगा हमें देख के बोलने। तो क्या हाल है, और क्या हाल है भाई, बोल मेरे को, बोल मेरे को, बोल हम दोनों को बोल। आरुष क्या हाल है मेरे भाई, हमें ना किडनी का पानी पीना चाहिए। किडनी का, दिल्ली का, किले अच्छा किले, चल कोई भी नाम हो, ब्रांड किले का पानी पीना चाहिए। अब तू पूछे क्यों पीना चाहिए, इससे सारी बीमारियां निकल जाती है, और जो जो हम प्रोटीन खाते हैं सब कुछ खाते हैं तो गर्मी तो होती है ना भाई बॉडी में, उसको भी तो निकालना, कैसे निकालेगा, पानी पी के निकालेगा मेरे भाई, तो पानी पियो। ये प्री वर्कआउट में भी ला के पी सकता है पानी, तू ये पोस्ट वर्कआउट में भी पी सकते हैं पानी, तो पीना है ना जरूरी, 70% पानी पीना चाहिए। जब वर्कआउट कर रहे हैं तो इसको पानी पियो, और जब दारू पी रहे तब पानी पियो, 30 ml का जब जब हैंगओवर हो गया तो पानी पियो, जब हैंगओवर री हुआ तो पानी पियो, तो पानी बहुत जरूरी है पूरी ड्यूरेशन के लिए। अब ठीक है यार, इतना चलता है, सही बोल रहा है। नहीं अब लास्ट में मैं नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मेरा कूपन कोड तांतिया बिच्छू यूज करो और ले लो, बस यू बोल दे। नहीं अब सही बोल रहा है, तेरे बा कसम अगर ये प्रैंक हुआ 16,000 रुपए टीएस के पहले दूं मारी, ठीक है ठीक है, ओके भाई प्रैंक नहीं है। चल अब एक ये वीडियो बना जो सीधा उसको भेजू मैं, उसको भेजेगा, उसको तेरे बाप ने मांगी नहीं, करूं स्टार्ट कर दो, स्टार्ट तो वैसे कर दूं, चलो 1 2 3 चल स्टार्ट, वहां से ले हम भी दिखे एंगल में, और ये जैसे बोल रहे रैंडम व्लॉग लगे, ठीक है इधर देख के कैमरे में देख, कैमरे में देख के बोलना, अब कैमरे में देख के। तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि पानी क्यों जरूरी होता है बॉडी के लिए। पानी पियो जिससे सारी गर्मी निकलती है, जो मेरे फेस पे एक्ने हो रहे हैं सारे पानी पी के ही निकले हैं। तो पानी बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए, प्री वर्कआउट भी पानी के लिए चाहिए होता है, पोस्ट वर्कआउट के लिए पानी चाहिए होता है, और जैगर पीते तो उसके लिए भी तो पानी चाहिए होता है। तो पानी रोज पीना चाहिए और पीते रहो पानी, ठीक है काफी है। अब असल अगर तुम्हें पानी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ, भेजने और लिख के दे रहा हूँ, उसको टाइप करो जाके खरीद लो और 50% ऑफ मिलेगा, 30% में से ले जाएगा। कूपन कोड ताते बिच्छू बढ़िया है, सुबह बात करूंगा। अरे कितनी बार डाल चुका है तू, महंगा है नहीं है, नहीं हूँ देख लो, ये देख लो तीन कैमरा दिख रहे बहन के, देख ले ये देख, ऐसे करके दिखा दे, तो गाइस अभी हमको एक नया फियर चालू हुआ है। अब जैसे हम ढूंढ रहे हैं सीरियस बंदी, क्योंकि हमने करनी है शादी 1-2 साल में, इसने भी मैंने भी इसने भी, अब हमें पास्ट का तो पता नहीं। जैसे बाय चांस कोई बंदी मिलती है, तेरी शादी है सोच, ठीक है तू घोड़ी पे चढ़ा हुआ है,
तेरा भाई भागता भागता है हफ्ता हफ्ता पेटीकोट खोल के शर्ट के बटन। बनवश का है, बनवश घोड़ी चढ़ा हुआ है। बनवश भाई बात सुन, तू कहेगा हाँ राज्य क्या हुआ, मैं कहूंगा कुछ खबर आई है भाभी के बारे में, जल्दी नीचे दिखा खबर, दिखा खबर, दिखा तो देख। अरे मेरे भाई को दिखा दिया, अब कैसे घोड़ी चढ़े, अब क्या करेगा, वो खत्म है, बट कुछ ऐसी बात दिख गई जो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्या करेगा जनमन, देख शादी तो करेगा नहीं यार, अब उसका पास था यार, पास हमारा, हमारे पास अच्छा है भाई ने अपनी रील डाली थी, वर्जिनिटी बेटर नहीं करती पर बॉडी काउंट करता है, समझा मत भाई, पर मेरे को 5 मिनट बताइयो, मैं नहीं जानना चाहता कि उसने किसी और को नंगा देखा है, ठीक, और उसको किसी ने देखा है।